चंद्रयान के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग की जो पूरी प्रोसेस होती है उससे पहले कितना क्रूशियल टाइम रहता है, एक टर्म दी गई है जिसको कहा जाता है 17 मिनट्स ऑफ टेरर। वो 17 मिनट्स ऑफ टेरर क्या है, क्या कुछ होता है उस पूरे फेज में जब एक लैंडर लैंड करने की कोशिश करता है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्स इसरो साइंटिस्ट मनीष पुरोहित है। मनीष जी, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी लैंडिंग तो अब होने वाली है पर ये 17 मिनट्स ऑफ टेरर क्या है? देखिए, एक्चुअली जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि अब वो समय आ गया है जब हमें वो 25 किलोमीटर की जो हाइट है लूनर सरफेस से उसको डिक्रीज करते हुए हमें हमारे लैंडिंग स्पॉट पे उतर जाना है, वो जो पूरा प्रोसेस है वो 17-18 मिनट का प्रोसेस रहता है, जिसमें सबसे पहले होता है रफ ब्रेकिंग फेज जो कि तकरीबन 11.5 मिनट का होता है। उस फेज के अंदर जो हमारा लैंडर है वो तकरीबन मान के चलिए 1500-1600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा होता है, उसको स्लो डाउन करते करते एक एंगल पे ले आते हैं, उसकी वेलोसिटीज को तकरीबन 1/4 कर दिया जाता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को। इस फेज के अंदर हम हमारे सेंसर्स हैं, जो कैमरास हैं उनको कैलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एटीट्यूड कंट्रोल फेज, उसको हम कैमरा कॉस्टिंग फेज भी कहते हैं, जिसके अंदर हम लूनर सरफेस की फोटोज क्लिक करते हैं। जो ऑनबोर्ड हमारे पास फोटोज हैं उन ऑनबोर्ड फोटोज को हम कंपेयर करते हैं रियल टाइम विद द हेल्प ऑफ AI, ये देखने के लिए कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हम जहां जा रहे हैं, जहां लैंड करना चाहते हैं वो वही लोकेशन है ना, और वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दैट इज फॉर अराउंड 10 सेकेंड्स। उसके बाद आता है फाइन ब्रेकिंग फेज। फाइन ब्रेकिंग फेज में ग्रेजुअली वी विल ब्रिंग आर विक्रम लैंडर, अपने विक्रम लैंडर को हम वर्टिकल पोजिशन में ले आएंगे और वो होवर कर रहा होगा। इसकी एक रेंज रखी गई है कि ये जो हमारा फाइनल पोजिशन है ये चांद की सतह से 1300 से 800 मीटर ऊपर हो सकता है, तो मतलब 1300 मीटर 800 मीटर ऐसे, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब उस वक्त वो हो रहा होगा प्रोसेस, वहां पर वो वर्टिकली उस पर रुक जाएगा, उसको हम कहते हैं होवरिंग। वहां पर हमारे जो फिर से जो सेंसर्स हैं, जो हमारे ऑल्टीट्यूड को चेक करने वाले सेंसर्स हैं, हमारे कैमराज हैं, वो फिर से वहां पर अपनी रीडिंग्स लेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रेजुअली 150 मीटर ऊपर आ जाएंगे चांद की सतह से, फिर हम फिर रुकेंगे और वहां पर गो नो गो का एक टेस्ट होता है। वहां पर हजार डिटेक्शन कैमरा होगा, वो चांद की सतह की फोटो लेगा। चांद की सतह देखिए, उसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि वहां पे क्रेटर है, वहां पर सरफेस ही अनइवन है, छोटे छोटे पत्थर हो सकते हैं, वहां की मिट्टी जो है वो भी अनइवन सी बिखरी हुई है, तो वो सारी चीजें चेक करी जाएगी और जब हमें लगेगा कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन तो आइदर इट विल बी अ गो कंडीशन और अ नो गो कंडीशन। इफ गो कंडीशन हुई तो वो 150 मीटर हम तकरीबन 73 सेकंड्स में कवर करेंगे और टच डाउन कर देंगे, क्रिएट द हिस्ट्री। और अगर नो गो कंडीशन हुई तो हम फिर एक कदम आगे बढ़ाएंगे, 150 मीटर आगे जाएंगे और फिर विल गो फॉर द टच डाउन। ठीक है, इससे पहले एक बार आपको जरा ये एनिमेशन के जरिए बता दें कि यहाँ तो प्रोपल्शन मॉडल और विक्रम लैंडर अभी जुड़े हुए हैं, किस तरीके से ये अलग हुए और ये इसके बाद देखे किस तरीके से विक्रम लैंडर ने अपना अब इसका डी बूस्टिंग का प्रोसेस पूरा शुरू हो गया। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम 23 अगस्त को लैंडिंग नहीं कर पाए तो 27 अगस्त को उसको अटेम्प्ट किया जाएगा। देखिए एक्चुअली क्या ना, मिशन बहुत ज्यादा क्रूशियल है, तो हम ये तो कर नहीं सकते कि उस दिन जिस दिन लैंड करना उस दिन अगर कोई इश्यू हुआ तो हम रिकॉल नहीं कर सकते ना, तो वी हैव टू कीप टू साइट्स, टू प्रायोरिटी साइट्स। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो 23rd है, सेकंड प्रायोरिटी इज ऑन 27th। मनीष, आपसे समझना चाहेंगे ये एनिमेशन के माध्यम से भी कि जो फेजेस की बात आप कर रहे हैं वो कितने अहम होते हैं और उस पर अर्थ सेंटर की क्या उनकी क्या निगरानी रहेगी, ये सब कुछ यहीं से ऑब्जर्व होता है या सब कुछ ऑटोमेट? देखिए, जब पावर डिसेंट चालू हो जाता है तब तो हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं, उससे पहले तक जो भी कमांड्स रन होती है, जैसे डी बूस्टिंग की बात करें, जो डी बूस्टिंग करी गई थी 18 और 20 तारीख को, वो ग्राउंड स्टेशन कंट्रोल थी। अभी जो चंद्रयान का विक्रम लैंडर है वो कम्प्लीटली इन कॉन्टेक्ट है अर्थ के ग्राउंड स्टेशन से, मतलब इसरो कंटिन्यूअसली उसको मॉनिटर कर रहा है, उस पर जो छोटे मोटे चेक्स करने हैं वो रेगुलरली करे जा रहे हैं, उनके जो उसके जो सेंसर्स हैं उनको जो कैलिब्रेट करना है वो प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक हम फाइनल डिसेंट के लिए न चले जाएं। फाइनल डिसेंट का जो पार्ट चालू होता है वहां पर पूरा जो सिस्टम है वो कंप्यूटर टेक ओवर कर लेता है और फिर वो पूरा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेशन में चला जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए, जैसे यहाँ पर अब विजुअल्स देखे हैं अगर दर्शक, तो ये यहाँ पर रिवर्स थ्रस्टिंग हो रही है और ये लैंडिंग, इसी तरीके की सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद हम कर रहे हैं। हाँ जी, अब ये जैसे सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो यहाँ पर टच सेंसर्स हैं जो बताएंगे विक्रम को कि हम लैंड कर गए हैं, तो विक्रम यहाँ पर अब वेकअप होगा, जागेगा, मतलब एक तरीके से मान लीजिए नींद में सोया है, जैसे ही सेंसर्स उसको बताएंगे कि भाई लैंडिंग हो गई है तो यहाँ से वेकअप होगा, अपने सारे सिस्टम्स को चेक करेगा, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, पावर जनरेशन चालू हो जाएगा क्योंकि सूरज की रोशनी गिर रही होगी, फिर इसके अंदर से रैंप खुलेगा और वो जब रैंप ओपन होगा उसके अंदर से प्रज्ञान निकलेगा अपना रोवर एंड देन स्टार्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ द मून। तो जो 17 मिनट्स ऑफ टेरर की हम बात करें, बेसिकली वो चार फेज की जो आपने लैंडिंग बताई वही है, बस वही है, लैंडिंग तक है 17 मिनट वाला पार्ट, उसके बाद तो फिर एक्सप्लोरेशन चालू हो जाएगा। आप चंद्रयान 2 का पार्ट थे जब 2014 में इट वॉज प्लान बट देन इट गो डिलेड अबिट, 2019 में गया था। हाँ।
तो क्या चेंजेस, मैं यही जानना चाहूंगी क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पिछले लेसन से हमने कुछ सीखा है, इस बार क्या चेंजेस देखे? इफ यू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स तो वो बहुत अच्छी बात रहती है। देखिए तो हुआ ये कि जितना डेटा हमारे पास अवेलेबल था, इसरो के पास जो भी डेटा अवेलेबल था चंद्रयान 2 की लैंडिंग से, उस सारे डेटा को हमने एनालाइज किया। जो भी हमारी गलतियां हुई, जो भी एरर्स हमारे से, वो सब एनालाइज किया गया। हमने पिछली बार 5 इंजन रखे थे, अब हमने 4 इंजन रखे हैं लैंडर के ऊपर। हम ज्यादा फ्यूल कैरी कर रहे हैं, हमारे सेंसर्स की जो कैपेबिलिटीज हमने उसको इम्प्रूव कर दिया है, हमारी जो लैंडिंग लैग्स हैं विक्रम की उनको हमने थोड़ा रोबस्ट किया है, उसके भी हमने प्रोलिफिक टेस्टिंग करी है ग्राउंड स्टेशन पे। तो एक तरीके से जो कहीं भी कुछ भी पॉसिबिलिटी थी ना, जहां गड़बड़ हो सकती है, चाहे वो एल्गोरिथम का पार्ट हो, एरर करेक्शन का पार्ट हो, वो सारी चीजें हमने बारीकी से चंद्रयान 3 में ध्यान रखी है। इसीलिए तो कॉन्फिडेंस इस वक्त बहुत ज्यादा है कि हम लैंड कर ही जाएंगे। ठीक है, मैं एक चीज समझना चाहूंगी थोड़ा सा, अगर आप इस वीडियो को पीछे ले जाएं, जो पेलोड्स की बात हो रही है कि पेलोड्स इसमें लगे हुए हैं, इन पेलोड्स से हासिल क्या होगा, मतलब क्या वो चीजें हैं जो इस बार ढूंढेंगे? क्योंकि आइस फॉर्म में हमने कहा कि वाटर हमें चंद्रयान 1 में ही मिल गया था, इस बार भी वाटर रहेगा मेन फोकस में, और क्या क्या मिलेगा? देखिए ये जो पेलोड्स हैं, ये चांद की सतह को पढ़ेंगे, चांद की मिट्टी को पढ़ेंगे, चांद की सतह क्या, चारों तरफ जो प्लाज्मा का एक एनवायरनमेंट बन जाता है हाई एनर्जी पार्टिकल का, उसको पढ़ेंगे, और चांद के ऊपर आने वाले जो क्वेक्स हैं, लूनर क्वेक्स हैं, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। कुल मिला के एक पूरा कैरेक्टराइज किया जाएगा चांद के सर्फेस को, उसकी मिट्टी को, उसके मिनरल कंटेंट को, और उसकी जो सतह के नीचे क्या कुछ हो रहा है, उन गतिविधियों को पढ़ने। ये प्रज्ञान रोवर दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए एम्बलम भी दिखा हमें अभी। ये जानना चाह रही थी, होगा ये कहा जाता है कि चांद पे जिस भी चीज के निशान पड़ जाए वो रहते हैं, तो जब चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो हमारे हम क्या छोड़ने वाले हैं? तो जो नेशनल एम्बलम है और इसरो का लोगो है वो यहाँ रहने वाला, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। आपकी तैयारियां पूरी हैं 23 तारीख को लेकर? पूरी है, पूरी तैयारियां हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ मनीष, जो बता रहे हैं कि तैयारियां इसरो की भी पूरी हैं, इसरो में इन्होंने काम किया है, चंद्रयान प्रोजेक्ट से भी जुड़े रहे हैं, और जिस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करना है, जो कि पेलोड्स हैं, वो क्या कुछ रिजल्ट्स देंगे उसकी उम्मीद है, क्योंकि इस बार हम चांद की डार्क साइड में है, यानी कि उस साइड में है जिसको कभी नहीं देखा गया है। साउथ पोल में हम जा रहे हैं, और ऐसे में चांद पर पहुंचने वाले हम, साउथ पोल में पहुंचने वाले हम पहले देश होंगे, और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हम चौथे देश होंगे। ऐसे में इंतजार बस अब 23 अगस्त 6:04 का, जब विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा।